अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में शो वजन दस आने वाली धमाकेदार खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबके दिलों पर राज करने वाली इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा आज एक नन्ही परी की मां बन गई। बताते चले अदाकारा के 9 साल बाद बेटी की पैदाइश हुई, जहां अदाकारा के तमाम फैंस ये न्यूज सुनकर शॉक्ड और बेहद खुश हैं। वहीं पर यह देखकर तो तमाम अदाकाराओं की भी आंखें खुली रह गई कि अदाकारा के शौहर ने बेटी की पैदाइश के बाद जब अपनी बीवी का हॉस्पिटल से घर शानदार इस्तकबाल किया तो इंग्लैंड से कुछ लड़कियाँ बुलाई गई जिन्होंने परियों का लिबास पहने अदाकारा उसकी नन्ही परी का इस्तकबाल किया। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसीन, झूमेगा आसमां गाएगी ये। घर परियों की तरह सजाया गया, मगर कौन सी अदाकारा है जो आज मां बनी है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं, बताएंगे आज के इस वीडियो में। बताते चले 2022 में हमारी इंडस्ट्री की बहुत सी अदाकाराएं मां बनी। 2022 में हमारी इंडस्ट्री की बहुत सी अदाकाराओं ने अपने मदाहों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई। जैसे ही 2022 शुरू हुआ है, आए रोज कोई ना कोई अदाकारा अपने मदाहों को खुशखबरी सुनाती है कि वो मां बनने वाली है। कोई अदाकारा तो प्रेगनेंट हालत में तस्वीर शेयर करके अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जबकि कोई अदाकारा अपनी प्रेगनेंसी को सबसे छुपाए डायरेक्ट बच्चे की पैदाइश के बाद ये न्यूज़ शेयर करके मदाहों को शॉक कर देती है। ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जिसने 9 साल तक बच्चे का इंतजार किया और जब प्रेग्नेंट हुई तो सबसे अपनी प्रेगनेंसी को छुपाया कि कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए। यहाँ तक कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि वो प्रेग्नेंट है। मगर कल जब अदाकारा माँ बनी तो अदाकारा ने अपनी बेबी शावर की तस्वीर शेयर करके सबको बड़ी खुशखबरी सुनाई कि इनका बेटा इस दुनिया में आ चुका है। और अदाकारा के शौहर ने तो खुशी से पागल अपने बच्चे की भी कुछ तस्वीर और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मशहूर होस्ट और अदाकारा मदीहा नकवी की, जिसने बेशुमार शो होस्ट किया और काफ़ी ड्रामों में काम किया और आज शादी के 9 साल बाद वो माँ बन गई। हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मगर आप लोगों को ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।